आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब आप एग्जाम लिखते हैं और एग्जाम में आपको जब मार्कशीट मिलता है तो पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे हम लोग उसका परसेंटेज निकालें। तो देखिए, आप लोग के सामने एक मार्कशीट बन के तैयार है, रेडी है, मनीषा नाम की लड़की का, जिसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो मार्क्स ले आ रही है। साइंस में 20, मैथ में 25, हिंदी में 20, इंग्लिश में 17, एसएसटी में 18 और कंप्यूटर में 20। जरा हम लोग देखें कि ये टोटल मार्क्स कितना ला रही है। जरा आप लोग इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने से कितना आ रहा है, 120। ये मार्क्स ला रही, टोटल मार्क्स वो 120। लेकिन जब वो घर में गई तो पापा को बताइए कि मेरा मार्क्स आया 120। पापा मारे एकदम खींच के एक तमाचा, बोले नहीं, परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में कितना मार्क्स आया है। तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे पास देखिए इसका कितना आया है, 120। अब हम लोग ये देखेंगे कि टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम हुआ। तो हम लोग लिखे हैं, देखिए टोटल मार्क्स क्या है मेरा, 25। मीन्स एक सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स क्या था, 25। तो देखेंगे इसमें भी ये टोटल 25 मार्क्स, ये भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का और ये भी 25 का। टोटल देखिए कितने सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं हम लोग का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सब्जेक्ट है। मीन्स टोटल मार्क्स जो आ रहा है वो 25 × 6। मीन्स टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ है स्कूल में, 150 नंबर का। कितना नंबर का हुआ है, 150 नंबर का हुआ है। तो हम लोग इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेरा कितना मार्क्स आया, इस मनीषा नाम की लड़की का कितना मार्क्स आया है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना मार्क्स आया है, 120। और उसके बाद हम लोग को टोटल मार्क्स को क्या करना है, नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में। तो टोटल मार्क्स देखिए कितना नंबर का एग्जाम हुआ स्कूल में, 150 नंबर का, 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ। तो ये नीचे लिखा जाएगा 150। और परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो परसेंटेज का देखिए यहाँ से परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब 100। एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए और देखिए इसको कट कर दीजिए, किससे कटेगा, 3 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 4 बार में, और 3 × 5 = 50, और 5 से भी ये कटेगा, 5 × 2 = 10 और 1 = 0। देखिए ऊपर में क्या क्या आया, 4 और क्या आया, 20। मीन्स 24 = 80% आया ना। हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट किए, तो सबसे पहले देखे कि हमारा टोटल सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, हम कितना लाए हैं टोटल नंबर। तो हम लोग देखे कि टोटल हम लोग कितना नंबर लाए थे, 120। उसके बाद ये सोचना है कि टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ। तो हम लोग देखे कि एक सब्जेक्ट में टोटल कितना मार्क्स था, 25, और टोटल कितना नंबर, टोटल कितने सारे सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल गया टोटल कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था, 150। तो जो आप लाते हैं उसको रखना है ऊपर, और जो टोटल नंबर होता है उसको रखना है नीचे, और परसेंट का मतलब 100 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और इस तरह से जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कट कीजिएगा, तो आपका आ गया टोटल परसेंट 80%। अब मनीषा नाम की लड़की के पिताजी क्या हो गए, खुश हो गए, वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप क्या ले आए, 80%। ओके, थैंक यू।